हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज चिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट प्रोटीन ब्लड टेस्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज चिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड में जिस जब हम एस्टिमेशन करते हैं प्रोटीन का, उस चीज़ के बारे में आज हम नॉलेज लेने वाले हैं। देखिए, प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहाँ पर अगर ये अपने लेवल से हाई चला जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर अपने लेवल से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक है। सो आज इसके बारे में डिटेल स्टडी लेते हैं। एंड प्रोटीन जो है ये LFT का पार्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट का। सो इसको उसके अंदर कंसीडर किया जाता है। प्रोटीन ब्लड टेस्ट के कुछ अनदर नेम्स भी हैं, जैसे कि सीरम या फिर टोटल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीरम प्रोटीन टोटल के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन टोटल ब्लड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, टोटल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इसे AG रेशो के नाम से जानते हैं। इसके अनदर नेम है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है आपके एग्जाम में तो आपको सेम ही कॉन्सेप्ट लिखना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी प्रोटीन कॉम्पोजिशन। ये जो प्रोटीन है किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन के अंदर देखिए एल्बुमिन होता है, ठीक है, ग्लोबुलिन होता है, एंड फिब्रिनोजन होता है। ठीक है, एंड एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो ये तीन तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जिससे मिलकर ये प्रोटीन जो होता है वो बनता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइन टू ईच अदर बाई पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो देखिए अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे? अमाइनो एसिड से, एंड ये पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू आपस में अटैच्ड होते हैं। प्रोटीन आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स एंड फ्लूड इन द बॉडी। जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर पाया जाता है, एंड एवरी फ्लूड के अंदर पाए जाने वाला एक सब्सटेंस है। अब देखिए, हमें पता है जो ब्लड है, ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है, ठीक है, एंड सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है? देयर इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ओके, सो जो प्लाज्मा है उसके अंदर प्रोटीन होता है, पाया जाता है। सो जो प्लाज्मा है उसके अंदर देखिए 71% प्रोटीन रहता है, 91% वाटर रहता है, एंड 2% अदर सॉल्यूट्स होते हैं। आफ्टर दैट ये जो प्रोटीन है 71%, इसके अंदर देखिए 58% एल्बुमिन होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एल्बुमिन होता है। देन देर इज़ अ 38% ग्लोबुलिन एंड 4% फिब्रिनोजन होता है। ये जो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन, ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। तीनों का ही अपना अपना एक अलग रोल होता है, वो भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। देखिए, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन आर एंड फिब्रिनोजन आर द मेजर इन ए प्लाज्मा और ब्लड प्रोटीन दैट इज मेड इन लिवर। सो देखिए क्या है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजन, ये हमारे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मेजरली पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं जो कि लीवर के अंदर बनते हैं। जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो लीवर के अंदर नहीं बनता है, वो प्लाज्मा सेल के अंदर बनता है। एक्सेप्ट दैट सभी के सभी जो प्रोटीन है दे आर मेड इन दी लीवर। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बताया है कि एल्बुमिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा। उसके बाद ग्लोबुलिन थोड़ी कम रेशो में, फिब्रिनोजन 4% रहता है प्लाज्मा के अंदर। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, कैरी एंड ट्रांसपोर्ट विटामिंस, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड ऑल्सो बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम लीकेज आउट द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यू। जो एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन है ये क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ वाइटमिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, इनको एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ में हमारे फ्लूड को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ताकि फ्लूड में से फ्लूड लीकेज ना हो, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, बेसिकली ऑनकोइड प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। अब नॉर्मल मीन्स, अब देखिए अब नॉर्मल कंडीशंस में ये इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि किडनी डिजीज़ हो गया या फिर लिवर डिजीज़ हो गया, इनकी कंडीशंस में ये जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो अबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल प्रोटीन ब्लड टेस्ट के बारे में।
Total protein blood test measures the amount of albumin, globulin, Ag ratio in the blood sample. टोटल प्रोटीन टेस्ट में हम तीन चीज़ें देखते हैं. एक देखते हैं हम एल्बुमिन की रेशो, ग्लोबुलिन देखते हैं इनकी नॉर्मल रेंजेस, सॉरी इनकी रेंजेस देखते हैं, ए जी का रेशो देखते हैं. ये आपस में कंपेयर करके निकाला जाता है. उसके बाद ठीक है ब्लड सैंपल में ये देखा जाता है एंड ये जो पार्ट होता है ये एल एफ टी का पार्ट रहता है. ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम वेन, इसमें जो ब्लड सैंपल है हम वेन से लेते हैं. सीरम आप ज़्यादातर ले सकते हैं, प्लाज्मा भी ले सकते हैं. और इसमें पेशेंट को फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं रहती है, कभी भी रेंडमली आप इसको कर सकते हैं. नॉर्मल रेंज देख लीजिए, हर बुक में वेरिएट हो सकती है, ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ वही होगी. ठीक है, आपकी बुक जिससे आप प्रेफरेंस ले रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है. तो टोटल प्रोटीन जो होता है वो 6.5 to 8.5 ग्राम पर डीएल रहता है एंड एल्बुमिन जो होता है वो 3.5 to 5.5 ग्राम पर डीएल रहता है. ग्लोबुलिन 2.5 to 3.5 ग्राम पर डीएल रहता है. अगर मैं टोटल प्रोटीन का फॉर्मूला बोलूँ तो टोटल प्रोटीन का फॉर्मूला होगा एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन. ओके, अब ऐसे ही अगर मुझे एल्बुमिन निकालना है तो इनको आपस में माइनस कर देना है. ठीक है, ग्लोबुलिन निकालना है तो इनको. ओके, एंड एजी रेशियो मतलब कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का डिवाइडेशन. ठीक है, सो ये कितना होगा 1.5 to 2.5. रिपोर्ट में हमने क्या देखना होता है, देखिए अगर हाई जा रहा है तो वो बताता है कि देयर इज अ लीवर डिजीज, वो लीवर डिजीज को इंडिकेट करता है, किडनी डिजीज को इंडिकेट करता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज हो सकती है, थायराइड डिजीज हो सकती है अगर रेंज हाई जा रही है. अगर लो जा रही है तो लो जाने के रीजन होते हैं डिहाइड्रेशन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, एचआईवी और एड्स हो गया, इनके केसेस में जो टोटल प्रोटीन है वो लो जाता है. सिम्टम्स ऑफ लो प्रोटीन, देखिए लो प्रोटीन के सिम्टम्स क्या क्या है. बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है जिसको एडिमा बोल देते हैं, ड्रायर और रफर स्किन रह जाती है. ठीक है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, जॉइंटिस की प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी कम हो जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट रहती है, नोजिया रहता है, डायरिया रहता है, डिहाइड्रेशन रहती है बॉडी के अंदर. ओके, सो इन कंडी अगर ऐसे सिम्टम्स आपको अपियर होते हैं तो यू शुड गो विथ दिस टेस्ट. ओके, अब देखिए अगर ए जी रेशो लो जा रहा है तब क्या होता है, दिस माइट बी अ साइन एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. अगर एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशो कम जाता है, लो जा रही है उसकी वैल्यू, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है वेयर योर बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल्स. जिसकी वजह अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, देखिए जो हमारा इम्यून होता है वो ये रिकग्नाइज नहीं कर पाता है कि ये सेल्स मेरे खुद के हैं. ठीक है, वो एज एन उनको एंटीजन ट्रीट करता है और अपने ही खुद के हेल्दी सेल्स को किल करना शुरू कर देता है. दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इट कैन ऑल्सो पॉइंट टू किडनी डिजीज, ये भी बताता है कि देर इज अ किडनी डिजीज भी हो सकती है, सिरोसिस हो सकता है, विच इज इन्फ्लामेशन और स्कैरिंग ऑफ द लिवर. ठीक है, जो कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है, लिवर को भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. इन सम केसेस अ लो ए जी रेशो, कुछ केसेस में ए जी रेशो जब लो होती है तो वो ट्यूमर का भी साइन देती है बोन मैरो के अंदर. ठीक है, सो इतना इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट. उसके बाद अगर हाई एजी रेशो जाती है तो ये साइन हो सकता है लीवर डिजीज का, किडनी डिजीज का, इंटेस्टाइन का. ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो लिंक टू लो थायराइड एक्टिविटी एंड ल्यूकेमिया. लो थायराइड एक्टिविटी को भी इंडिकेट करता है, ल्यूकेमिया जिसको कैंसर कहते हैं उस कंडीशन को भी ये इंडिकेट करता है. अब टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं. अगर प्लाज्मा प्रोटीन एस्टीमेशन करना है तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज अ बीसीजी. बीसीजी की फुल फॉर्म है ब्रोमोक्रिस्टोल ग्रीन मेथड. क्या है ब्रोमोक्रिस्टोल ग्रीन मेथड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नॉर्मल रेंज इसकी 3.5 to 5.5 ग्राम पर डीएल रहती है. प्रिंसिपल याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, देखिए एल्बुमिन जो है ब्रोमोक्रिस्टोल ग्रीन के साथ में रिएक्ट करता है इन दी एसिडिक मीडियम. जब ये एसिडिक मीडियम में इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये ग्रीन कलर का एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बीसीजी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं. ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी हमें इंटेंसिटी को मेजर करना होता है एंड उसकी कैलकुलेशन करनी होती है. सो रिएजेंट्स देख लीजिए आप, हमें यहाँ पे बीसीजी रिएजेंट चाहिए होगा, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए एंड स्टैंडर्ड चाहिए. जो बीसीजी रिएजेंट है इसके अंदर ब्रोमोक्रिस्टोल ग्रीन होता है, ससिनेट बफर रहता है, सोडियम अजाइड रहता है. डिस्टिल्ड वाटर चाहिए एंड स्टैंडर्ड चाहिए. प्रोसीजर देख लीजिए, ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है. हमने क्या करना है, हमने तीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को नाम देंगे हम टेस्ट, एक को नाम देंगे ब्लैंक और एक को नाम देंगे स्टैंडर्ड. ओके, सो देखिए जो टेस्ट होता है ब्लैंक होता है एंड स्टैंडर्ड होता है, इन तीनों में ही रिएजेंट डालता है. लेकिन जो टेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ सैंपल जाएगा. ठीक
ठीक है, ब्लैंक में डिस्टिल्ड वाटर जाएगा और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड जाएगा, ये याद रखना है एंड योर प्रोसीजर विल बी डन। ठीक है, सो देखिए बीसीजी जो रिएजेंट है वो मैंने टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक की ट्यूब जो ली है वो ड्राइड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ग्रीस फ्री होनी चाहिए। उनमें 1 ml हमने रिएजेंट डाला। नाउ टेस्ट वाली जो ट्यूब है उसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ सैंपल डाल रहे हैं 10 μl, बाकी दो चीज़ें नहीं डाल रहे। स्टैंडर्ड में हम देखिए हमने 1 ml BCG डाला रिएजेंट एंड हमने सैंपल नहीं डाला, ना ही हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डालेंगे। ऐसे ही ब्लैंक में 1 ml हमने BCG रिएजेंट डाला एंड सैंपल और स्टैंडर्ड नहीं डालेंगे, ठीक है, सैंपल और स्टैंडर्ड नहीं डालेंगे, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे विच इज़ 10 μl। ये सब डालने के बाद आपने क्या करना है, इन्हें अच्छे से मिक्स वेल करें, ठीक है, एंड इंक्यूबेट कर ले उसको 5 मिनट्स के लिए 37 °C, दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पे, एंड उसके बाद एब्जॉर्बेंस को रीड करें एट दी 640 nm। सो देखिए हमने पहले क्या करना है, कॉलोरीमीटर ले, ये जो आपकी ब्लैंक वाली ट्यूब है इसको लेकर उसको 0 पे सेट करें, एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड की रीडिंग ले एंड टेस्ट की रीडिंग ले। नाउ कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड है। सो देखिए सीरम एल्बुमिन की जो हम यूनिट देते हैं दैट इज़ अ ग्राम पर डीएल रहता है, हमने क्या करना है, कैलकुलेशन देख लीजिए, जो टेस्ट की अब्जॉर्बेंस आ रही है उसको ऊपर रखेंगे एंड जो स्टैंडर्ड की अब्जॉर्बेंस आ रही है इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, एंड स्टैंडर्ड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है जो कि ऑलरेडी किट के लिटरेचर पर गिवन होती है उससे उसको इंटू कर देते हैं। सो इस तरीके से आप अपने सीरम एल्बुमिन की रेशो को रेंज को निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि व्हाट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटीन जो कि एल्बुमिन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर। सो ग्लोबुलिन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन है इनका काम होता है लिपिड, फैट, सोलबल विटामिन और आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का, अल्फा और बीटा का, और ये सिंथेसाइज होते हैं लीवर में। लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से मतलब कि एंटीबॉडीज के नाम से भी जानते हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर बनता है ना कि लीवर सेल के अंदर बनता है, ये याद रखने वाली चीज़ है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नॉर्मल रेंज देख लीजिए 1.8 to 3.6 g/dL होती है। फॉर्मूला देखिए इसका कैसे है, ग्लोबुलिन को कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, टोटल प्रोटीन में से एल्बुमिन को माइनस कर देंगे तो ये ग्लोबुलिन की रेशो, ग्लोबुलिन की रेंज निकल जाती है। टोटल प्रोटीन कैसे निकालेंगे उसका मेथड अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एजी रेशो। एजी रेशो क्या होता है, देखिए एजी रेशो टेस्ट इज डन टू मेजर द अमाउंट ऑफ एल्बुमिन कंपेयर टू द ग्लोबुलिन इन द ब्लड। जो एजी रेशो है इसमें हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं ग्लोबुलिन और एल्बुमिन को ब्लड के अंदर, मतलब कि डिवाइड करते हैं। देखिए एजी रेशो कैसे निकल रहा है, सीरम एल्बुमिन को मैंने ग्लोबुलिन से डिवाइड कर दिया और इसकी यूनिट रहती है ग्राम पर डीएल। नॉर्मल रेंज इसका 1.5 to 2.5 g/dL रहता है। अगर हाई एजी रेशो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि किडनी, लीवर या इंटेस्टाइन डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, लो जा रहा है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जो कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फिब्रिनोजन के बारे में देखते हैं जो कि ओनली 4% हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। सो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसका मेजर फंक्शन होता है टू हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय हेल्पिंग ब्लड क्लॉट टू फॉर्म। फिब्रिनोजन आपने बहुत बार सुना होगा, जो फिब्रिनोजन होता है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, कहीं पर भी चोट लग जाती है तो उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने में जो मेन रोल होता है वो फिब्रिनोजन का होता है। ये अपने थ्रेड्स को छोड़ता है जो कि एक गुच्छा बनाते हैं, जाल बनाते हैं, एंड वहाँ पे ब्लड सेल्स आके अडहेयर होना शुरू हो जाते हैं, खासकर प्लेटलेट्स, एंड इस तरीके से प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो 2.0 to 4.0 इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। ओके, नाउ प्लाज्मा प्रोटीन के जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है उसका मेथड जो है उसको हम बोलते हैं ब्यूरेट मेथड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। नॉर्मल रेंज इसकी 6 to 8 g/dL रहती है। प्रोटीन इसका जो प्रिंसिपल है वो देख लीजिए क्या होता है, ब्यूरेट मेथड के अंदर जो ब्यूरेट का रिएजेंट होता है उसके अंदर कर्प्रिक आयंस होते हैं। ये जो कर्प्रिक आयन होते हैं ये क्या करते हैं, टोटल प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कलाइन मीडियम में एंड वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स ये बना देते हैं। इस वॉयलेट कलर के कॉम्प्लेक्स की रीडिंग हमें लेनी होती है एंड उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। दिस इज हाउ इट इज सिंपल। रिएजेंट देख लीजिए, ब्यूरेट रिएजेंट चाहिए होगा हमें, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, प्रोटीन स्टैंडर्ड चाहिए। ब्यूरेट रिएजेंट में हमें कॉपर सल्फेट
होता है उसके अंदर कॉम्पोजिशन में पोटेशियम आयोडाइड होता है, सोडियम पोटेशियम होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड उसके बाद ब्यूरो रिएजेंट के बाद हमें डिस्टिल्ड वाटर एंड प्रोटीन स्टैंडर्ड की नीड होती है। प्रोसीजर आप देख लीजिए, प्रोसीजर बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तीन टेस्ट ट्यूब लो, लेबल करो टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक। ये तीनों ट्यूब मेक श्योर कि ड्राई हों, ग्रीस फ्री हों, गंदी ना हो। उसके बाद इनको लेबल कर लें एंड टेस्ट वाले में, स्टैंडर्ड में और ब्लैंक में तो जाएगा ही रिएजेंट। टेस्ट में रिएजेंट के अलावा सिर्फ सैंपल जाएगा, ब्लैंक में रिएजेंट के अलावा सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर जाएगा एंड स्टैंडर्ड में रिएजेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड जाएगा, और कोई चीज़ नहीं जाएगी। सो देखिए हमने क्या किया, टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक ट्यूब ले ली। नाउ ब्यूरेट रिएजेंट 1 ml तीनों में हमने डाल दिया। नाउ सैंपल 10 μL लिया टेस्ट में सिर्फ, स्टैंडर्ड 10 μL लिया स्टैंडर्ड ट्यूब में, डिस्टिल वाटर ब्लैंक में लिया 10 μL। ओके, इस तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे सारी की सारी वाइल्स को, इंक्यूबेट कर देंगे 5 मिनट पे रूम टेम्परेचर पे, दैट मीन्स 37 °C पे। एंड उसके बाद उसकी जो एब्जॉर्बेंस है उसको रीड करेंगे, ठीक है। कैलोरीमीटर पे अगेन क्या करना है, ब्लैंक ले, ब्लैंक वाली ट्यूब ले एंड उसको अनदर क्यूबेट में डालें एंड मेक श्योर जो क्यूबेट है उस पर फिंगरप्रिंट्स ना लगे, उसको बाहर से अच्छे से साफ कर लें। जीरो पे कैलोरीमीटर को सेट करें एंड देन स्टैंडर्ड की रीडिंग लें एंड देन अपना टेस्ट की रीडिंग लें। नाउ कैलकुलेशन, हमने क्या करना है, जो टेस्ट की रीडिंग आई है उसको ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड की रीडिंग से, जिसको हम अब्जॉर्बेंस कह सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कह सकते हैं, एंड उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड की कॉन्सेंट्रेशन है जो हमारे पास लिटरेचर आता है किट के साथ, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंशन होती है कंपनी की तरफ से, तो उससे हमने मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल हैव दी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, ये था आज का हमारा वीडियो टोटल प्रोटीन, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन के बारे में पढ़ा और ये भी देखा कि ये LFT का ही पार्ट होता है। अगर डॉक्टर आपको LFT रेकमेंड करता है तो उसमें ये टेस्ट जरूर होता है, लेकिन LFT ज़्यादातर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि इनको LFT की पूरी नीड नहीं है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बारे में भी सजेस्ट कर सकते हैं, जो हद से हद 150 से 200 रुपये तक का हो जाता है, LFT के कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो प्राइज होता है। सो इसीलिए हमने इसको सेपरेटली पढ़ा, ऑल दो ये LFT का ही पार्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट का। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पढ़ाने का तरीका समझ आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ में, कमेंट में बताएं कि कैसे लगते हैं वीडियोस। एंड देर इज़ अ वन मोर रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं कमेंट में, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।